नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को मिलेगा पक्का मकान। विधानसभा के नए स्पीकर बने नंद किशोर यादव। बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू करेंगे सरफराज खान। पिता और पत्नी हुए भावुक। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को मिलेगा पक्का मकान। बिहार सरकार के SC/ST कल्याण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 342.49 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया गया। मंत्री ने इस मामले में जानकारी दी है कि ये योजना पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। SC/ST योजना में राशि का प्रावधान कर इसे पुख्ता कर दिया गया है। इससे महादलित परिवारों को लाभ मिलेगा। बजट में इसका रास्ता साफ हो चुका है। SC/ST वर्ग का कल्याण करना NDA की सरकार का मुख्य एजेंडा है। मंत्री संतोष सुमन ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का धन्यवाद दिया। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए। इनका चयन निर्विरोध हुआ। इन्होंने अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। नंद किशोर यादव ने ही NDA की नई सरकार बनने के बाद अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया था। इस कारण अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर की कुर्सी छोड़ी थी। मालूम हो कि नंद किशोर यादव ने 13 फरवरी को नॉमिनेशन किया और विपक्ष ने विधानसभा के अध्यक्ष के लिए किसी उम्मीदवार को खड़ा ही नहीं किया। नंदकिशोर यादव बिहार में BJP के वरिष्ठ नेता है। ये साल 1974 में JP आंदोलन में भी सक्रिय थे। 1978 में ये पटना नगर निगम के पार्षद चुने गए। फिलहाल नंदकिशोर यादव पटना साहिब से विधायक भी है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शुरू। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर डेरी से पहुंचने वाले छात्र और छात्राओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पटना के मिलर हाई स्कूल में देर से कई परीक्षार्थी पहुंचे और इन्हें एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह के 9:30 बजे से शुरू हुई। ऐसे में परीक्षार्थियों को 9 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना था। एग्जाम सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंचना जरूरी है। लेट पहुंचने वाले छात्र छात्राओं के अनुसार वो जाम के कारण केंद्र में देरी से पहुंच रहे हैं। लेट से पहुंचने पर छात्रों को कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी जा रही है। वहीं परीक्षा केंद्र में जूता मोजा पहनकर जाने पर रोक है। CM नीतीश कुमार को धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था और इसके बाद पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंचा था और इसके बाद कोतवाली थाने में तनहा दर्ज हुआ। पुलिस ने जंक्शन गोलंबर इलाके से युवक को गिरफ्तार किया। 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सोनू पासवान की गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई। पुलिस इसे पकड़कर पटना ले आई है। दरअसल युवक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा से अलग होने के लिए कहा था और ऐसा नहीं करने पर उसने मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। गिरफ्तार युवकों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी है। बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए www.basebsakshamta.com पर लॉगिन किया जा सकता है और लॉगिन करने के बाद इसमें पहले अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना जरूरी है और लॉगिन करते ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकेगा। 15 फरवरी परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख निर्धारित है। वहीं परीक्षा का आयोजन 26 तारीख को होगा। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में सेवामुक्त करने को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर RJD के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। राज्यसभा चुनाव को लेकर RJD के उम्मीदवार मनोज झा और संजय यादव ने नामांकन कर दिया है और ये दोनों लालू प्रसाद यादव के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। मालूम हो कि आज नामांकन की अंतिम तिथि है। वहीं 27 फरवरी को मतदान होगा। इधर CM नीतीश कुमार ने पाला बदलकर NDA के साथ नई सरकार का गठन किया और उसके बाद पहली बार लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा के गेट पर मुलाकात हुई। CM ने लालू यादव का अभिवादन किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लालू यादव RJD के प्रत्याशियों का नामांकन करवाने के लिए पहुंचे थे।
राज्यसभा को लेकर एनडीए के तीन कैंडिडेट है। इधर महागठबंधन की तरफ से भी तीन उम्मीदवारों को उतारा गया है। अग्निवीरों को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार टैटू बनवाने पर मिली छूट। सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर बहाली के दौरान टैटू को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किया। धार्मिक मान्यता और रीति रिवाजों के अनुसार टैटू बनवाने पर छूट दी गई। इसमें शारीरिक टैटू केवल भीतरी हिस्से जैसे हथेली के पीछे, भीतरी चेहरे पर, कोहनी के अंदर से कलाई तक बनवाने पर छूट है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर यदि अस्थायी टैटू होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं आदिवासी समुदाय से संबंधित होने पर प्रमाण पत्र और अस्थायी टैटू की अनुमति की डीएम या फिर एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि 22 मार्च तक अग्निवीर बहाली को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। एग्जाम को लेकर एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 22 अप्रैल को ऑनलाइन मोड में परीक्षा निर्धारित है। संजय यादव को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाने पर जदयू ने आरजेडी पर कसा तंज। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने मनोज झा और संजय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने सालाराज की शुरुआत की थी और इसके बाद अब तेजस्वी यादव ने निजी सहायक राज का आगाज किया। आपको बता दें कि बिहार में 6 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने वाला है और इसमें आरजेडी के उम्मीदवार संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के हैं। इन्हें तेजस्वी यादव का सबसे करीबी माना जाता है। ये उनकी राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं और इसको लेकर जदयू प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम को बिहार के कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है, इसलिए हरियाणा के राजनीतिक नस्ल पर उन्होंने विश्वास किया। बिजनेस शुरू करने पर लाखों रुपए देगी सरकार। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत उद्यमियों को 10 साल के लिए 0% ब्याज दर पर सरकार 10 लाख रुपए का लाभ देगी। राज्य के युवा इसका लाभ उठाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहीं महिला उद्यमियों को सरकार सीड फंड के रूप में 5% तक का लाभ देती है। इधर SC ST और दिव्यांग लोगों को 15% से अधिक की राशि दी जाती है। इसके साथ ही बिजनेस के ग्रोथ में सफलता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन और ट्रेनिंग भी मिलती है। वेबसाइट startup.bihar.gov.in पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है। PMCH में फायर सेफ्टी होगी ऑडिट। PMCH में फायर सेफ्टी को ऑडिट किया जाएगा, इसे लेकर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। दरअसल बुधवार को यहां सर्जिकल स्टोर में अग्निकांड की घटना हुई और यहां पर नया भवन भी बनकर तैयार किया जा रहा है। डीएम ने कहा है कि आगे चलकर यहां अगलगी की घटना नहीं हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन ने अगलगी की घटना को काफी गंभीरता से लिया है। अस्पताल परिसर में फायर सेफ्टी ऑडिट करवाई जा रही है। अस्पताल प्रशासन की ओर से भी अपने स्तर से कमेटी बनाई जाएगी और इसकी जाँच होगी। वही फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन हो रहा है। पटना में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए 5 टीमों का गठन। पटना में अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। 2 मार्च से विशेष अभियान चलाया जाएगा। पटना प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने को लेकर आदेश दिया है। डीएम शीर्षत कपिल अशोक और SSP राजीव मिश्रा ने इसके लिए 5 टीमें गठित की है। गड़बड़ी करने पर कानून के तहत कार्रवाई का फैसला लिया गया है। राजधानी के अलग अलग इलाके में अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। वहीं अभियान के परिणाम का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत के बाद भाकपा माले ने छोड़ा राज्यसभा सीट। भाकपा माले द्वारा कटिहार लोकसभा सीट मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस उम्मीद में माले ने राज्यसभा का दावा छोड़ दिया। आपको बता दें कि महागठबंधन की 3 में से 1 सीट पर राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में माले द्वारा दावा किया गया था और पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य इस सीट के जरिए राज्यसभा जीते। लेकिन अब 2 सीट राजद तो 1 सीट कांग्रेस को मिल चुकी है। मालूम हो कि इस बात का निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दीपंकर के बीच हुई बातचीत के दौरान तय हुआ है। राज्यसभा नहीं भेजे जाने के सवाल पर भड़के भाई वीरेंद्र। बिहार से राज्यसभा के 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें बीजेपी, जदयू, आरजेडी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। आरजेडी ने मनोज झा और संजय यादव को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र राज्यसभा नहीं भेजे जाने के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने कहा है कि इस बात पर उन्हें गुस्सा आता है। भाई वीरेंद्र को काटने पर आरजेडी ही निकलेगा। राजद विधायक ने कहा है कि उन्होंने आरजेडी को सींचा है। कई मौके पर लोग पेटी लेकर आए थे लेकिन हमने आरजेडी और लालू यादव को नहीं छोड़ा। अभी हम विधानसभा के सदस्य, आगे पार्टी का फैसला ही सर्वमान्य होगा। पार्टी का फैसला पूरी तरीके से ठीक है। रालोसपा की 16 फरवरी को होगी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर रालोसपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 16 फरवरी को होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस नेताओं से फीडबैक लेंगे और इसके साथ ही चुनावी रणनीति को तय करेंगे। ये बैठक पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली है। पार्टी के प्रवक्ता
श्रवण कुमार अग्रवाल ने इस मामले में जानकारी दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिषद के अलावा रालोजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है और इस बैठक में सभी पूर्व विधायक, सांसद, विधान पार्षद, पूर्व सांसद, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, संसदीय बोर्ड के सदस्य आदि लोग शामिल हो गए। इन्हें बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू करेंगे सरफराज खान, पिता और पत्नी हुए भावुक। भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा मुकाबला के लिए सरफराज खान और ध्रुव चुड़ैल डेब्यू करने जा रहे हैं। सरफराज खान को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। सरफराज का यह पहला टेस्ट डेब्यू और अंतर्राष्ट्रीय मैच है। वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अनिल कुंबले ने इन्हें डेब्यू कैप दिया और इसके बाद खिलाड़ी के पिता और पत्नी भावुक हुए। वे अपने आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी रोने लगी। इनका एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरवान्वित पिता ने अपने बेटे को मुबारकबाद दिया। मालूम हो कि सरफराज ने अब तक प्रथम श्रेणी में 3,912 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 70.48 है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है गोनर शर्मा, छोटू राजा, रंजीत मिश्रा, संघर्ष कुमार, उमेश श्रीदेव, मोहम्मद शकीर हुसैन, राजकिशोर महतो, कुलदीप कुमार, विक्रम यादव, अजहर कलीम, देव कुमार, रविशंकर, नौशाद राजा, लक्ष्मी मेहता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, बिहार बोर्ड की परीक्षा में लेट से पहुंचने वाले छात्रों पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।